अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जिन मुर्गियों को, जिन असील मादियों को, जिन देसी मुर्गियों को कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हम उनकी कैल्शियम की कमी को कैसे मुकम्मल करें, कैल्शियम की कमी कैसे ख़त्म करें, कैसे वो कैल्शियम की कमी पूरी करें। अक्सर मुर्गियां जो मादियां होती हैं ना, वो जब बूढ़ी हो जाती हैं, वो आपको पता है मादी एक दिन छोड़ के, दो दिन छोड़ के एग ले करती है, तो जो सारा अंडा होता है वो सारा कैल्शियम की एक पूरी टिक्की होती है, एक पूरा फार्मूला होता है, उसमें सारी कैल्शियम होती है, ठीक है। तो अंडे ले कर करके ना उनके अंदर विटामिन की, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो कच्चे अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। अक्सर जो अंडा होता है वो कच्चा होता है, ठीक है, बिल्कुल उसका ऊपर वाला जो छिलका होता है ना वो बिल्कुल नाजुक सा होता है, पतला सा, वो टूट जाता है, या बिल्कुल कच्चे अंडे मुर्गियां फेंकने लग जाती हैं, या अंडे देने से रुक जाती हैं कैल्शियम की वजह से, या वो फिर अपने, अक्सर मसला ये भी दरपेश आता है कुछ मुर्गियां फिर कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए ना वो अपने ही अंडे खुद खाने लग जाती हैं, फिर वो इनको ये चस्का लग जाता है अंडे का, फिर ये अंडा छोड़ती नहीं है। तो आज इन सारे मसलों का हल हम इस वीडियो में बताएँगे कि हम अपने मुर्गियों में कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करें, ठीक है। तो ये देखें, आपको माशाल्लाह नज़र आ रही होंगी, सारे मेरे असील चिक्स हैं, ठीक है, असील पट्टियाँ हैं बल्कि, ठीक है। कुछ इसमें ये एक गोल्डन बफ, ये देखें, एक गोल्डन बफ की फ़ीमेल है, बाकी सारियाँ माशाल्लाह, ये देखें, ये मॉर्निंग की नस्ल की है, ये ब्लैक है, ये जावा है, ये सारे असील हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह ये सारियाँ न्यू पट्टियाँ तैयार हुई हैं, ये कुछ अंडे देना स्टार्ट कर गई हैं, कुछ उन्हें अभी अंडे ले करने हैं, कुछ इनमें से पुरानी मुर्गियाँ हैं। जो पुरानी मुर्गियाँ हैं ना, उनको भी अक्सर कैल्शियम की कमी की मसला होता है, तो आए हम दिखाते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा सबसे पहले कि आपकी मुर्गी में कैल्शियम की कमी है, तो अगर वो कमी है तो कैसे पूरी की जाए, ठीक है। तो मैंने सुबह से इनके ना अभी एग वगैरह उठाए नहीं हैं, तो अभी चलते हैं केज की तरफ, तो केजेस में से इनके एग उठाते हैं, वो एग से, अंडे से आइडिया हो जाएगा, अंडे से पता चल जाता होता है कि कैल्शियम की कमी है कि नहीं है। और दूसरा, मैंने इनको अभी ये हरे पत्ते डाले थे, ये देखे कितने शौक से खा रहे हैं, ये मैंने पौधा था थोड़ा सा ना काट के केलों का, वो फेंका है, ये देखें। तो अभी लाजम इनको हरा पत्ता डाला करें, तो इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है हरा पत्ता, बर्ड्स के लिए हरे पत्ते बहुत ज़रूरी है, इनको ग्रीनरी, पालक, धनिया या छिलके वगैरह लाजम डाला करें, क्योंकि ये एक चीज़ खा खा के, दाने खा के, खुराक गर्म खा के इनमें गर्मी हो जाती है, फिर इनका मैदा हीट अप हो जाता है, तो इसलिए ये हरा पत्ता खाने से एक्टिव रहती हैं, सेहतमंद रहती हैं, और इनमें विटामिन, कैल्शियम वगैरह हरा पत्ता डालने से भी पूरे हो जाते हैं। कमी है कैल्शियम की कि नहीं है, लेकिन हरा पत्ता आप लाजम डालें, ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी है इनके लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं इनके एग की तरफ, ठीक है, ये केजीज हैं इनके, ठीक है, ये मास्टर केज में ये अंडे ले करती हैं सभी जाके, तो अभी इसमें कोई ना कोई एक दो तीन अंडे लाजम पड़े होंगे, ये देखें, ये अंडे पड़े हैं, इसमें एग पड़े हैं, आए एग उठाते हैं जाके, फिर आपको मैं निशानियाँ बताता हूँ कि कौन कौन सी निशानियाँ होती हैं कि हमारी मादी में कैल्शियम की कमी है। ये देखें माशाल्लाह, एक बड़ा एग पड़ा है और एक छोटा है, ये देखें, ये पुरानी मादी का एग है, ठीक है, और ये जो न्यू दे दिया है, जो पट्टियाँ भी तैयार हुई है उन्होंने एग दिया है, अभी ये लेके है, आए इनको बाहर लेके जाते हैं रोशनी में, फिर आपको मैं इसमें सिम्टम दिखाता हूँ कौन कौन से सिम्टम हैं कैल्शियम की कमी के। ये चेक करें, ये देखें, ये जो है, ये हमारी पुरानी मुर्गी, जो दो साल पुरानी ब्रीडर हमारी मुर्गी है ना, ये उसका एग है, ठीक है। तो इसमें चेक करें, आपको ये वाइट वाइट से डॉट नज़र आ रहे होंगे, ये देखें कैमरे में शायद आपको नज़र आ रहे हो, ये देखें वाइट वाइट से डॉट हैं, ये देखें पूरे अंडे पे ना, ये देखें पूरे एग पे, ये ऐसे ना, ये देखें, ये देखें, ये बड़ी मुश्किल से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ब्लर हो जाता है, ये आप गौर से देखोगे ना अंडे को, तो पूरे अंडे पे ना वाइट वाइट से डॉट नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो डॉट है ना, ये निशानी है कि आपकी मुर्गी में कैल्शियम की कमी है, तो इसलिए जो अंडे का छिलका है ना, इस पर वाइट वाइट से डॉट आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये आप इसको कैल्शियम या विटामिन नहीं देंगे ना, तो ऐसा ऐसा ये अंडे का जो छिलका है ना, ये और कमज़ोर होता जाएगा, और बिल्कुल ये मुर्गी ना आपकी
कच्चे अंडे देना स्टार्ट कर देगी, कच्चे अंडे फेंकने लग जाएगी, ठीक है, या कच्चे अंडे फेंकने लग जाएगी या बिल्कुल ही अंडे देने से रुक जाएगी, खुद ब खुद अंडा खाती रहेगी, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले ये निशानी ये आती है कि आपके अंडे पे ना वाइट वाइट से डॉट नज़र आते हैं, जैसे इस पे डॉट है वाइट वाइट से, ठीक है। तो ये पहली निशानी होती है कि आपकी मुर्गी में कैल्शियम की कमी है, ठीक है। तो आए हैं, मैं आपको दूसरा अंडा भी दिखाता हूँ, ठीक है, जो हमारी वो पट्टी ने दिया था उस, ये देखें, ये बिल्कुल अंडा प्लेन है, ठीक है, साइज़ में छोटा है क्योंकि ये अभी स्टार्टर अंडा है, अभी इसने अंडा देना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका रंग भी ठीक है, जैसे अब प्योर देसी अंडे का रंग होता है वैसे इसका कलर है, ठीक है, येलो इसका कलर है। तो इसमें बिल्कुल ये प्लेन है, देखें इसकी रंगत भी ठीक है, वे वाइट नहीं है बिल्कुल, इसमें एक निशान भी वाइट नहीं है, क्योंकि ये अभी अंडे देने स्टार्ट किए हैं, तो इसमें अभी कैल्शियम वाफर मकदार में मौजूद है, इसमें विटामिन प्रोटीन सारी इसके अंदर मौजूद है अभी, क्योंकि इसमें अभी दूसरा या तीसरा एग ले किया है। तो जैसे जैसे मुर्गी एग ले करती रहती है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो से ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है कि कैल्शियम की कमी हो गई है, इसमें कौन सी इनको खुराकें या कौन सी इनको मेडिसिन या कौन सी इनको मल्टी विटामिन दें, सिंपल सा सादा सा आपको मैं इनको आपको नुस्खा बताता हूँ जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर में ही बैठे हुए इनमें कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। और वो तरीका ये है कि आपने इन्हीं के अंडे को जो छिलके होते हैं, ये देखें ऐसे जो अंडा हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी अंडे के छिलके ना, यानी आपने उसको छोटा छोटा सा करके ना ऐसे चीज़ें करके ऐसे, ये देखें ऐसे ऐसे करके डाल देना, ये देखें अभी कितने से खा रही है, ये मुर्गी में कैल्शियम की कमी होगी ना, वो पूरा इतने शौक से खाएगी ना, क्योंकि उसको मिल रही होगी तो इसका जायका भी बड़ा मज़ेदार होता है। तो आपने बस सिंपल सा काम ये करना है कि जो आप घर में अंडे इस्तेमाल करते हैं ना, उन छिलकों को आपने रखी रखना है, ठीक है, छिलके जमा करके आपने उनको हल्का आसान से क्रंची सा करके ना, पेस्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं, हाथ से ऐसे ना, जब वो खुश्क हो जाएगा छिलका तो उसको आप हाथ से ऐसे छोटा छोटा सा तोड़ के तो आप इसे ऐसे मुर्गियों का आगे डाल देना, ये देखें। तो ये जो पूरा छिलका होता है ना, ये सारा कैल्शियम का बना होता है, इस छिलके में सारी कैल्शियम होती है, तो जो इनको ये खाएंगी तो इनको कैल्शियम मिल जाएगी, जिससे इनकी दिनों में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। तो ये देखें, क्योंकि जो छिलका सारा कैल्शियम का बना होता है, तो इन्हीं के अंडे के छिलके इन्हीं को खिला के इनमें कैल्शियम की कमियां पूरी कर दें। अगर आपके पास बर्ड ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप सिंपल किसी भी शवारमे वाली या बर्गर वाली शॉप से जाके फ्री में जाके उनसे छिलके ले सकते हैं, उनको बोल दें आपके हमारे लिए अंडों को छिलके रख लिया करें, कि उनका डेली से 100 से 150 उनका अंडे का पीस लगता है बर्गरों में शवारमों में, तो उनसे जाके लिया करें, ठीक है, उन छिलकों को खुश कर लिया करें, खुश करने के बाद उनको ऐसे पेस्ट बना के पाउडर बना के मुर्गियों को डाल दें। ये देखें माशाल्लाह मेरी पट्टी है, ये 3 साल की पट्टी है, ये देखें जावा नस्ल की, ये देखें अकेली ने सारा फिनिश कर दिया, देखें हल्के हल्के से जर रहे हैं, उसको भी उठा रही है। तो ऐसे आप भी अपनी मुर्गियों को उनके छिलके अंडों के डाल के ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनमें कैल्शियम की कमी पूरी कर सकते हैं, इनमें एक कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी ऐसे छिलके डालने से, दूसरा ये अंडों की तादाद में भी इजाफा होगा, अंडा भी ज़रा सेहतमंद मोटा अंडा देगी और उसका छिलका मजबूत होगा, पकड़ने से छिलका टूटेगा नहीं, और अंडों की तादाद में भी इजाफा होगा, जो ये अक्सर मुर्गी 3-3 दिन अंडा देती नहीं है, एक अंडा देके हफ्ते का गैप डाल देती है, वो गैप ही नहीं डाला करेंगी मुर्गी। तो इंशाल्लाह आप ये ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत इफाका होगा, बहुत फ़र्क इससे आपको मुफीद हासिल होंगे फ़ायदे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर जो मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। फ़िलहाल के लिए दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।